आइए अब हम गुजरात चलते हैं उर्वशी जी के पास। उर्वशी जी केम छो? नमस्ते। नमस्ते उर्वशी बैसी ने। हाँ उर्वशी जी बताइए, पहले अपने विषय में बताइए। सर मेरा पूरा नाम उर्वशी नीरव पटेल है, मैं सूरत की रहवासी हूँ और पहले एनजीओ के हिसाब से थोड़े बहुत सामाजिक काम करती रहती थी और बाद में मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता भी हूँ और लास्ट चुनाव में कॉरपोरेटर बनी हुई हूँ। सबसे पहले जब 2017 में मैंने पस्ती दान से पेट दान के कॉन्सेप्ट पे एक कार्यक्रम शुरू किया था, उसके अंदर मेरी भावना ऐसी थी कि दान करना था दिक्कतियों के लिए कि जो स्लम एरिया की है स्कूल में पढ़ती है, तो उसके लिए डोनेशन तो कहीं जगह पे आ सकता था कि पैसा इकट्ठा करके करना था, पर एक महिलाओं और स्वाभिमान की बात थी और ऐसा सोचा कि कहीं और से पैसा इकट्ठा करे, इससे अच्छा हर गृहिणी को, हर महिला को, हर दिकरी के साथ भावना से कनेक्ट किया जाए। और फिर ये स्लोगन माइंड में आया, पस्ती दान से पेट दान। तो उस समय हमारी, मैं जो कॉलोनी में रहती थी राजन्स कैंपस करे सूरत में, तो वहां सर 8 बिल्डिंग है और कुल मिला के 418 फ्लैट है। तो वहां पे मेरा फ्रेंड सर्कल है, उनके साथ बातचीत किया कि हमको यहाँ से सब जगह से हर घर से जो पस्ती या फिर प्लास्टिक वेस्ट जैसा शैम्पू की बॉटल है, तेल के डिब्बे है, वो सब इकट्ठा करके फिर ऐसा करना है। तो उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अकेले से पॉसिबल नहीं था। तो हमने 8 बिल्डिंग में 2-2 महिलाओं की एक बना दी कमेटी कि 2 महिलाएं 1 से 5 तारीख तक हम सारा इकट्ठा करते थे, फिर एक पस्ती वाले को बुला के और ये सामान बेच देते थे और उस हिसाब से जो फंड इकट्ठा होता था तो ये काम शुरू किया 2017 में। सर सबसे पहले जब पस्ती दान से पेट दान के कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने सैनिटरी पेड खरीदना शुरू किया तो वो प्राइवेट कंपनी से लेते थे, तो वो सर वो सैनिटरी पेड की कीमत 35 से 40 रुपीस पर पैकेट पड़ती थी। उस टाइम जितना फंड हमारे पास आता था, क्योंकि हम एक कॉलोनी की महिलाओं के साथ जुड़े थे, शुरुआत का समय था, तो उस फंड से हम 500 से 600 दिक्करियों को ये चीज दे सकते थे कि फंड के हिसाब से, ज्यादा नहीं दे सकते थे। फिर सर एक नई सोच थी, नया रास्ता था और कुदरत भी कुछ अच्छा करती है। और सर आपने जन औषधि केंद्रों के अंतर्गत 2018 मुझे याद है 4 जून 2018 के अंदर सुविधा करके सैनिटरी पेड लॉन्च किया और उसका मैंने टीवी और जन सुविधा सेंटर से वो एडवर्टाइज पढ़ा और सब माहिती इकट्ठा की। तो सर वो 10 रुपए की कीमत में पेड पड़ता, जो मैं 35 से 40 रुपीज में परचेस करती थी वही चीज 10 रुपया में मिलती थी। तो जब मैं 500 दिक्करियों को वो दे सकती थी, वो चीज मैं 3000 से 3500 तक दिक्करियों को वो चीज हम दे सकते थे। तो इस जन औषधि केंद्र से जो सुविधा लॉन्च हुआ उसकी सबसे अच्छी सुविधा हमें मिली, हमारी टीम को मिली। और हमने फिर सूरत की प्राथमिक स्कूल है, नागरिक सरकारी स्कूल है और गरीब आवास है, जो प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, कि जहाँ मेंस्ट्रुअल हाइजेनिक की बात भी नहीं बोली जाती थी, तो वहां हम हर महीने कार्यक्रम करते थे। मेरे साथ में जो गायनेकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर थी, कि जो वॉलेंटियर आती थी उनको भी लेके जाते थे, तो वो भी लड़कियों को वो मेंस्ट्रुअल हाइजेनिक के हिसाब से क्या यूज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो भी साथ में एक साथ में होता चलता था। उसके साथ कभी कभी स्कूल में हमारे ही आरोग्य केंद्र है, क्यों मैं पार्टी से जुड़ी हुई थी, पहले महिला मोर्चा की संगठन में महामंत्री थी शहर की, तो वो थोड़ी बहुत पता थी कि आरोग्य केंद्र भी निःशुल्क ये सब टेस्ट कैल्शियम आयन की टेबलेट लड़कियों को देते हैं, तो स्कूल में वो भी हम साथ में देते थे। और उस टाइम हमारे सांसद दर्शनाबेन जरदोश भी हमारे साथ कभी कभी आती थी कार्यक्रमों में और वो भी उनसे जुड़ जाती थी। तो धीरे धीरे उस हिसाब से शुरू किया और सर बहुत अच्छा पिकअप से वो चलता था। मैंने सबसे पहले, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि सुविधा जब लॉन्च हुआ तब सुविधा का सबसे पहला ऑर्डर मेरा था। और उस टाइम
सर उस टाइम सूरत की जो जन औषधि सेंटर थे उसमें वो अवेलेबल नहीं था, क्योंकि अभी लॉन्च हुआ था, आने की बात थी। और जैसे हर एक का नेचर होता है कि जो सोचते हैं वो इंस्टेंट करना है, तो मेरा मैंने जब देखा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो नहीं सोचा, पर स्कूल में कार्यक्रम अरेंज कर दिया कि मुझे थर्सडे को कार्यक्रम करना है, और एक वीक था, और यहाँ इंक्वायरी किया तो यहाँ अभी स्टॉक आया नहीं था। फिर सर बीपीपीआई में अपनी गुजरात में कल्पेश रावल जी है, हमारे मितेश भाई है, उन सबसे मैंने मेल के द्वारा कांटेक्ट किया, और वो सारी टीम ने मुझे इतना सपोर्ट किया, डायरेक्ट दिल्ली से उनके प्रोडक्शन से सबसे पहला कंटेनर सर मुझे मिला। और जो डेट तय की थी वही डेट पे हम कार्यक्रम कर सके, मतलब हमारा मेरा ट्रस्ट है परस्पर मानवता की महक, ट्रस्ट के साथ सिस्टम ने भी हमें बहुत मदद की है कि चाहे स्कूल में कार्यक्रम करने हैं या आरोग्य केंद्र में करना है, तो सब लोगों ने मिलके इसको बहुत सक्सेसफुली आगे आगे बढ़ाया। और अभी तक सर 1,65,000 तक सैनिटरी पैड मैं सुविधा के सूरत में डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हूँ। फिर सडनली जो कुदरत ने कहर थी, जो कोरोना आया, उस हिसाब से मैं 1 साल 1.5 साल से काम बंद था। तो सर उस समय के दरमियान मेरे पास 2 कंटेनर, मतलब बॉक्स में, एक बॉक्स में 500 500 पेड सैनिटरी पेड आते, जो डायरेक्टली मैं सुविधा से मंगवाती थी, तो वो स्टॉक पड़ा हुआ था, पर वो स्कूल में हम कार्यक्रम नहीं कर पाते थे, तो काफी सर हमारे जहाँ पे जो सर्वेंट आती थी उनके द्वारा मैंने उनकी कॉलोनी में थोड़े बहुत तो ऐसे ही भिजवा दिए कि आप ले जाना। प्रधानमंत्री जो आवास में जो महिला होती, जो सारी नेबर के यहाँ भी कोई सर्वेंट आती, उनके थ्रू उनको भिजवाया। पर सर ये जो कोरोना का जो माहौल था ना, तो उस टाइम मुझे एक विचार, एक सोच आया, एक आइडिया आया, अगर आप परमिशन दो तो मैं आपसे वो। सर उस टाइम ऐसा आया कि हम जैसे बैंक खोलते हैं कि बैंक में सर फंड जमा होता है, जब वो विड्रॉ करना है कर सकते हैं, तो पेड़ की भी एक बैंक होनी चाहिए हर सिटी में, कि कोई भी डोनर है, ये तो पस्ती से इसीलिए पैसा इकट्ठा होता है, पर कोई भी डोनर है जिसको 500 1,000 1,500 2,000 पैसा डोनेट करना है, तो वो पेड़ बैंक में डोनेट करता है, और वही बैंक से हर स्कूल की लड़कियों को उसके घर के एड्रेस पे हर महीने 2 पैकेट पेड़ मिल जाने चाहिए। तो उसमें सर 2 चीज हो सकती, विन विन सिचुएशन, कि जो डोनेट है डोनर, उनको भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि मेरा पैसा सही में यूज हो रहा है कि नहीं, और हम ऐसा कहीं भी माहौल आए कि स्कूल कॉलेज बंद हो जाए तो भी वो सेवाएं लोग जन प्रतिदिन तक पहुंच पाए। तो एक थोड़ा सा सुझाव था कि मैंने इस समय दरमियान ध्यान में आया है सर, और आगे भी सर। उर्वशी जी आपके सुझाव के लिए धन्यवाद, और मैं आज आपको कई सारी बधाइयां देना चाहता हूं। थैंक यू सर। एक तो कोई गुज्जू इतनी बढ़िया हिंदी बोल ले तो एक तो इसके लिए बधाई। दूसरा, आम तौर पर लोगों में छवि ये है कि राजनेता, राजनीतिक क्षेत्र के लोग यानी जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते हैं, तू तू मैं करते रहते हैं। आपने एक पॉलिटिकल वर्कर, एक काउंसिलर होने के बावजूद भी आपने सेवा के माध्यम से लोगों के दिल जीतने का कार्यक्रम लिया है, ये सभी राजनीतिक दल के सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देगा। ये अपने आप में, किसी भी दल के हो जो भी इस प्रकार से काम करते हैं, उन लोगों के लिए मेरे मन में बहुत आदर होता है, क्योंकि हम सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक दलों से उठा पटक करना इतना काम नहीं है हमारा काम। और ये मैं एक और दो सुझाव देता हूं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं उनकी सूची लेकर के उनके हर घर में ये हाइजीन के संबंध में कैंप लगा करके, वस्तुएं पहुंचा करके आप मिशन रूप में कर सकते हैं क्या, टारगेटेड ऑडियंस। दूसरा, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इस कोरोना में जिन परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है, उन परिवारों में जाकर के भी इस विषय को लेकर ये जाकर के उन परिवार को,
क्योंकि स्कूल कॉलेज में जो बच्चियां हैं वो ज्यादातर इस बात को पकड़ लिया होगा, लेकिन ये लोग, और आपके यहाँ तो आंध्र से बहुत परिवार रहते हैं, उड़िया के बहुत परिवार रहते हैं, बिहार के बहुत परिवार रहते हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत परिवार रहते हैं, और मैंने तो वहाँ इनकी गरीबी देखी है। तो हम उन लोगों के बीच जाकर के अगर इस काम को कर सकते हैं, मैं समझता हूँ कि आपका ये जो अभियान है वो एक बहुत नए डायमेंशन पहुँच जाएगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इतना व्यक्त किया। सबसे बड़ी बात है कि आप एक जागरूक नागरिक भी हैं, योजना को आपने सबसे पहले पकड़ा और सबसे पहले आपने इनिशिएटिव लिया, वरना बहुत लोग तो इंतजार करते भी आया है, पता नहीं कैसा है, कब होगा, लेकिन आपने तुरंत डिसीजन लिया और आगे बढ़ाया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद।